सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। रात का 8:30 बज रहा है, मैंने बस अभी व्लॉग एडिट करके अपलोड किया है। तबीयत नहीं सही थी, पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके आज भी अपलोड कर दिया। एंड अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। एंड मैं बस अभी नीचे उतरा था कि मैंने देखा हमारे यहाँ बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी करी गई है। वहाँ पे जो है माता जी की स्थापना हुई है और अभी आज हमारे घर में होगा एक छोटा सा जागरण। जागरण में खूब भजन अजन गाए जाएंगे एंड हमारे कुछ जो पड़ोसी अड़ोसी हैं उन्हें भी इनवाइट किया गया है, तो वो सब आएंगे एंड माता जी की भेंटें और भजन गाया जाएगा। आज ना नवरात्र का 7वां दिन है ना? आज 7वां दिन है। बोलो साचे दरबार की जय, जगदम्बा मैया की जय, कल्याणकारी मैया की जय। बासवाद, अभी हम कुछ बोलने जा रहे थे, यहाँ पे प्रसाद कटने जा रहा है और आप एकदम से फुटेज खाने लगे। आपको पता चला जैसे कैमरा चालू हो टिंग की आवाज आती है और तुरंत आप खाने लगे। हमें बता तो लेने देते, अरे भाई फुटेज होता। अब हमने कैमरा खोला बताने के लिए प्रसाद, हम बताते हैं हुआ क्या। जैसे मैंने अभी इससे पहले जो शॉट बंद किया था उधर से चलते हुए यही बोलते आ रहे थे, बोलो जयकारा मैया की, वो फिर बोल रहे कि तुमने यार वीडियो बंद कर दिया यार। हमने लहा बंद कर दिया और फिर जैसे चालू किया तुरंत बोलने लगे। तो हमें बता लें तो आपको जो करना, देखो जब हम बोल ले फिर आपको आपको जो करना होती है आप उसको फुटेज का नाम देखिए। ये बात वही है कि ये सब चीजें नेचुरली होती नहीं है। अगर ये सब चीजें नेचुरली होती तो हम कुछ कहते नहीं, साफ साफ दिखता है ये फुटेज है, ये नेचुरली नहीं है। जयकारा श्री वालिदा, सही बात। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, से बोलो जय माता दी। तो जो हमारे पड़ोसी थे वो भी आ चुके हैं, तो घर में जो है भजन कीर्तन चालू हो चुके हैं। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। फिलहाल मैं अपनी दवाइयां खाता हूँ, फिर मैं भी वहां जाके थोड़ी देर बैठता हूँ जाके। मस्त भजन चल रहे हैं और ये देखो ये यहाँ पे आराम से सो रही है। एक्चुअली एनी को ना ढोलक से बहुत ज्यादा डर लगता है, ढोलक बज रही है तो ये बहुत ही ज्यादा डर रही है। क्या बात भाई, डर लग रहा है तुम्हें? डर लग रहा है, कोई बात नहीं, माता जी के भजन गाए जा रहे हैं, तुम भी बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फिलहाल यार टाइम हो रहा है रात का 11:56 एंड 4 मिनट बाद नवरात्र का लास्ट व्रत जो है चालू होने वाला है। कल ये जो है आखिरी व्रत है, वैसे कुछ लोग परसों रहेंगे, कुछ लोग कल रहेंगे, वैसे हम लोग जो है सारे लोग कल हैं, आखिरी व्रत। तो आखिरी व्रत है ना, 4 मिनट बचे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ खा पी लूँ भाई, लेकिन अभी मेरा ये भी नहीं कन्फर्म है कि कल मैं व्रत रहूँगा या नहीं रहूँगा। अगर मेरी ऐसी ही तबीयत खराब रही कल तो मेरे को कोई घर में रहने नहीं देगा, पर शायद देखो कल सही हो जाए तो हम ज़रूर रहेंगे। लेकिन अभी चलो 4 मिनट बचे हैं, कुछ खा लेते हैं चल के यार। फ्रिज में कुछ है खाने को? फ्रिज में तो कुछ नहीं खाने को, मेरी दलिया रखी, दलिया खाने का मन नहीं हो रहा है। ये गर्री रखी हुई है, गर्री भी नहीं खाऊंगा। इसमें क्या है, मिठाई वाले डिब्बे में, आहा मिठाई वाले डिब्बे में कुछ मिठाई रखी हुई है, तो चलो इसमें से कोई मिठाई ले लेता हूँ एक। तो हमने ले लिया है बेसन का लड्डू जो कि है मेरा फेवरेट। एंड अगर आप लोगों को बेसन का लड्डू पसंद हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरे को तो भाई साहब बहुत ज़्यादा पसंद है बेसन का लड्डू। भाई अपना आखिरी के 2 मिनट बचे हुए हैं, अगर चालू होने वाला है कुछ भी खाना खा लो। हाँ 1 मिनट बचा, 1 मिनट जल्दी, अब 1 मिनट थोड़ा हाथ खोलो, अच्छा खोलो खोलो जल्दी खोलो जल्दी। अरे 1 मिनट, ये देखो 1 मिनट है अभी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू धर्म के हिसाब से जो मतलब नया दिन होता है ना वो सुबह के 3 बजे से लेकर 4-5 बजे मतलब कि इस टाइम चालू होता है। वैसे ये तो अंग्रेजी टाइम है, रात के 12 बजे का चालू हो गया। वैसे हिंदू धर्म के हिसाब से यही होता है कि 3 बजे से जो होता है वही सब चालू होता है। तो चलो कुछ, अरे यार अंग्रेजी नियम भी हो जो भी हो, 40 सेकंड है, जल्दी से थोड़े से दे दो, एक बार फाक ले बात खत्म, थोड़े 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 बस 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 इतने होते हैं। कड़वा है बहुत है ना, खट्टा है, खस्ता तो है, कड़वा भी है, अब नहीं खाना, खत्म हो गई। और इसी के साथ साथ 12 बज चुका है और हमने सक्सेसफुली पूरा पैकेट भी खत्म कर दिया। ग्रेट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस। और 12 बज गए यानी कि व्रत चालू हो चुका है, तो जो भजन हो रहे थे वो भी समाप्त कर दिए गए। फिलहाल ना यहाँ पे आरती हो रही है।
सो हे गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। टुडे इज नेक्स्ट डे। वैसे तो आज हमें व्रत रहना था लेकिन हम जो है नहीं रह रहे हैं। अभी जो है सुबह का 11 बजे जा रहा है। घर में तो सब लोग माता जी की पूजा वूजा कर चुके हैं और आज ना घर में सारे के सारे लोग नवरात्र का आखिरी व्रत है पर हम नहीं है। सुबह उठे आके मम्मी ने पूछा व्रत रहोगे या नहीं रहोगे, तब तो हमने बोल दिया आज नहीं रह पाएंगे, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा लग रही है। पर उसके बाद जब मैं उठा, जब मैं फ्रेश हुआ, तब मेरे को लग रहा है कि व्रत रह सकते हैं। वैसे भी मैं रह सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कुछ खाया पिया तो है नहीं, तो व्रत रह सकते हैं लेकिन हम नहीं रहेंगे। बिकॉज अगर आज हम कुछ ढंग से खाएंगे पियेंगे ना तो कल हमें और ज़्यादा वीकनेस लगेगी, तभी आज व्रत नहीं रहेंगे। आज हम सब कुछ खाएंगे पियेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जिससे पहले आपने शॉट देखा था वो लिया गया था सुबह के 10:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे। बिकॉज सुबह मैंने दवाई खाई और मेरी दवाई इतनी पता नहीं क्या अजीब टाइप की हार्ड है कि मैंने हल्का सा दलिया खाया और फिर मैं जाके लेट गया, पड़ गया बिस्तर पे और सो गया। और अब उठा हूँ 4:30 बजे पर अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ, ना फीवर फील हो रहा है ना गले में पेन फील हो रहा है। बस अब थोड़े बहुत वो जो है शोल्डर वोल्डर हल्के बहुत दर्द हो रहे हैं, वो भी होपफुली आज रात तक सही हो जाएंगे। पर मैं सो कितना रहा हूँ, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ जो दोपहर में कभी जिंदगी में नहीं सोता। और मैं दोपहर में सोचने से इतनी देर देर तक सो रहा हूँ, रात में भी 8-9 घंटे सो रहा हूँ, दोपहर में भी सो रहा हूँ, पूरा दिन सोते सोते बीत रहा है मेरा। पर यार एज अ डेली व्लॉगर मेरे लिए सोना समझ लो जहर की तरह है, क्योंकि जितना सोएंगे उतना कुछ व्लॉग नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे कि यही देख लो, अब मजबूरी में सो रहे हैं लेकिन व्लॉग को शूट नहीं हो पा रहा है। और हमारे घर में ऐसे लोग हैं कि व्रत भी हैं और बराबर दिन भर से खाने पीने में लगे हुए हैं। इतना खाती क्यों हो जब तुम व्रत रहती हो, या तो तुम व्रत ही नहीं रहा करो। बताइए आप इतना क्यों खा पी रही हैं जब आप व्रत हैं। हमारे घर में इतने बेवकूफ लोग हैं, वो देखो वहाँ खड़ी एनी को बुला रही हैं पर एनी यहाँ पे आराम से लेटी सो रही है। इतने इतने गधे लोग हैं कि हम क्या बताएं। उतनी देर से 5 मिनट से चिल्ला रही खड़ी खड़ी एनी 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 और वो यहाँ आराम से सो रही पड़ी। देखो 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 ताली बजा के बुला रही, क्या बताएं, ऐसे ऐसे पागल लोग हैं धरती पे। वो देखो पड़ी। ये हिलना क्या रही हो घोड़े की तरह है, तो तुम्हें पता ही नहीं तो ये घोड़ों की तरह हिलना क्या रही है। क्या बोल रही है, यहाँ पड़ी है, यहाँ हरदोई की भाषा हियाँ पड़ी है। नहीं हियाँ पड़ी, तुमने बोला हियाँ पड़ी है बट हरदोई वाले लोग होते तो ऐसे बोलते हियाँ पड़ी है। तुम अपनी पर्स में रख के बिस्किट खा रही हो, पर्स में बिस्किट रख के खा रही हो। भैया तुम लोग कहाँ से आए हो इस धरती पे, हमें समझ ही नहीं आ रहा। खुले रखे हैं, खुले ऐसे डाल के पर्स में। हे भगवान, हमारे यहाँ के बच्चे सही होता है, ऐसे बच्चे कहीं नहीं होंगे, पर्स में डाल के बिस्किट खा रही है। सबसे शैतान अगर कोई है हमारे मोहल्ले में तो यही दोनों लोग भैया, राधा राधा का भैया। मतलब अगर आप हैं यहाँ पे तो आपका दिन भर एंटरटेनमेंट होता रहेगा, आप हंसते रहेंगे पूरे दिन। फिलहाल ना मैं अंदर आ चुका हूँ और मेरे लिए यहाँ पे मौसमी का जूस आ चुका है जिससे कि मेरे को वीकनेस सिकनेस ना लगे। एंड आज वैसे तो नवरात्र का लास्ट व्रत है, सब लोग घर में, सब लोग क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आज ही सब लोग लास्ट रह रहे हैं, लेकिन जो लोग सारे के सारे व्रत हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ बासुआदा और मामी, तो वो कल और व्रत रहेंगे, उसके बाद परसों सुबह कन्या खिलाई जाएंगी। एंड वैसे हवन हमारे यहाँ आज होने वाला था लेकिन आज नहीं होगा, हवन हमारे यहाँ होगा कल। तो कल तक मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही हो जाएगी। एंड कल जो था हमारा मीटअप होने वाला था जो कि कैंसिल हो चुका है। मैं एक बार फिर से व्लॉग में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई अपना कल मीटअप है, लेकिन कल मीटअप नहीं है। तो कोई भी मत जाना कंपनी गार्डन 5 बजे तरफ, कल मेरा कोई भी मीटअप नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो फिलहाल हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे जल्दी ही कल हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। व्रत तो है नहीं तो थोड़ी बहुत देर अपनी माता जी के पास बैठ के थोड़ी बहुत उनकी पूजा ही कर लें, सह लेंगे थोड़ा व्रत होंगे। अरे हमारे पीछे देखिए कौन बैठा है, ये देखिए इनको, ये बहुत कमी आजकल व्लॉग में आती हैं और इनकी हंसी, ये हंसी आपने बहुत मिस करी होगी, ऐसे हंस के दिखा दीजिए एक बार ऐसे करके, पता नहीं क्यों छुपा लेती, क्या दिक्कत क्या है, किस चीज का घमंड है, इसको छुट्टी का घमंड है, इसको छुट्टी का घमंड है क्या, क्यों छुपा लेते हो।